अभी देखिए जो लेटर है 30/6/2022 का, इसका पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। इसको मैंने इससे पहले जो डाला था उसमें अंडरलाइन नहीं था, इसे यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। प्रपोजल आर बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम जनरल रेलवेज एंड प्रोडक्शन यूनिट सीकिंग बोर्ड अप्रूवल फॉर एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ पैनल फॉर फिलिंग अप ऑफ रिप्लेसमेंट वैकेंसीज नोटिफाइड अंडर एंड ऑल्सो ऑफ फिलिंग अप ऑफ एडिशनल वैकेंसीज फ्रॉम स्टैंड बाई कैंडिडेट ऑफ टेक्नीशियन एंड जे अवेलेबल विद RRBs respectively. In addition, there has been demand from waitlisted standby candidate of technician JEE to be considered their empanelment on same line as has been done in respect of ALPs already considered and approved by board. Demand from waitlisted standby candidate of CEN-01-2018 technician and JEE to be examined as per annexure 12. Annexure 12 की बातें यहाँ लिखी हुई हैं, और annexure 12 के हिसाब से ये है कि मिनिमम सिक्योरिटी मार्क्स अगर है आपके तो आप क्वालिफाइंग में, मतलब आपको इम्पैनल करना है, पर हमारा कट ऑफ आई गया है तो इसका मतलब नहीं है। अब एज अ सेम लाइन हैज़ बीन डन इन रिस्पेक्ट ऑफ ALPs, तो आपको ये सेम लाइन कहाँ मिलेगी? जब आप ALP वाला वो ओपन करेंगे नोटिस जिस पे ALP की क्लियर की गई थी। तो ठीक है, इसके लिए हम ALP वाला क्लियर ओपन करते हैं। ये देखिए ALP वाला ये है, इसका नोटिस नंबर दिखा देता हूँ। इसका नोटिस नंबर है ये आपके सामने, और डेट ये है 6/3/2022। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर जेई को क्लियर करना है तो इनको पीछे आके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एज लाइन लिखा हुआ था कि आप ये इस ये जो है नंबर, आप इसको कंसीडर कर रेफरेंस में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, अगर मैंने पढ़ा है तो यहाँ पे लिखा हुआ इन रिस्पेक्ट हैज़ बीन डन ALP CEN-01-2018 ऑलरेडी कंसीडर्ड अप्रूव्ड बाई द बोर्ड। तो हमको यही आके पढ़ना पड़ेगा ना, तो हम आके वही पढ़ रहे हैं जो यहाँ पे लिखा है। रिक्वायरमेंट ऑफ filling up additional demand replacement of vacancies by zonal railways from standby waitlisted candidate and extension of currency panel beyond 2 year under। तो जो चीज़ वहाँ लिखी वही चीज़ यहाँ लिखी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 100% के लिए नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ लिखा क्या हुआ वो देखिए, द डिमांड फॉर द रिप्लेसमेंट शुड बी एग्जिस्टेड बिफोर इम्पैनलिंग कैंडिडेट अगेंस्ट एडिशनल डिमांड। If any RRBs is still having any standby candidate not indicated in the above distribution, the same may be distributed by RRBs against the unmet demand so that no standby candidate who is otherwise eligible is left waiting for appointment. तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई मेडिकली फिट है तो उसको इम्पैनलमेंट करना है, उसको हम लोग मतलब RRBs उनको बिना इम्पैनलमेंट किए नहीं रख सकती है। तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा इस वाले पर। और ये जो ऑर्डर निकाला गया है 30/6/2022 वाला, इसके लिए आपको ये वाला रेफरेंस देना पड़ेगा। 28/6/2022 को स्टैंडिंग कमिटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये हुआ था कि उसी लाइन पे क्लियर कर देना जिस लाइन पे ALP का हुआ था। इसमें लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे निकाला गया था। अब गड़बड़ी क्या हो रही है वो दिखाता हूँ। ये लेटर के लिए इन्होंने 2 साल की वैकेंसी मांगी थी, 31/12/2022 तक का, ठीक है, दिसंबर तक का। 2 साल में तो इतनी वैकेंसी आ जाती कि सबकी वेटिंग क्लियर हो जाती जिस लाइन पे वहाँ हो रही थी। और ये 1/07/2022 तक जोनल रेलवेज को, जोनल RRBs को यहाँ पर भेजना था दिल्ली में, और इसके लिए 10 कैटेगरी भी बनाई थी, तो इन्हीं 10 में उनको फिल करके भेजना था। बट वो ऐसा करते नहीं है। 14 तारीख को जब अगली नोटिस निकलती तो उसमें देखा क्या जाता है कि बड़े बड़े जोन में क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे 0, CLW चितरंजन लोकोमोटिव 0, ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री 0, RDSO 0, ये सब बड़े बड़े हैं जहाँ पर क्या हो जाता है, वैकेंसी 0 हो जाती है। इससे ये पता चलता है कि रेलवे के द्वारा जो आदेश निकाला गया था उसको जोनल रेलवे द्वारा सही से फॉलो नहीं किया गया है। यही चीज़ आपको बताना है जब कोई कहता है कि 100% वेटिंग क्लियर नहीं हो सकती, तो आपको पहले ये वाली लाइन दिखानी है, इस लाइन को दिखाने के बाद यहाँ पर जाना है, ठीक है, ये वाला दिखाना है।
और ये है 3/6/2022 का, इससे पहले भी एक नोटिस निकली हुई है उसको भी हम भेज देंगे। लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है कि आप 2018 वाला वो लगे दिखाने जैसा कि और लोग टहलाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद, अभी मैं इसकी पीडीएफ भी बना के डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच पेशेंसली सुनने के लिए।